हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी न्यूज़। आज हम रक्त और रक्त कणिकाओं के बारे में जानेंगे और शरीर में रक्त के क्या कार्य होते हैं, इसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रक्त और उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, हेमेटोलॉजी कहलाता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है, मतलब कनेक्टिव टिश्यू। संयोजी ऊतक एक ऐसे ऊतक होते हैं जो अपने साथ विभिन्न पदार्थ को जोड़ने की क्षमता रखते हैं और इन पदार्थों को शरीर में स्थानांतरित करते हैं। इसीलिए रक्त को संवहन ऊतक भी कहा जाता है, मतलब वस्कुलर टिश्यू भी कहा जाता है। जब आप रक्त को नेक्ड आईज से देखते हैं तो आपको रक्त तरल रूप में दिखाई देता है, इसीलिए रक्त को लिक्विड टिश्यू भी कहते हैं। रक्त की उत्पत्ति भ्रूण अवस्था, मतलब इम्ब्रियोनिक स्टेज के मीजोडर्म से हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें इम्ब्रियोनिक स्टेज में तीन लेयर होते हैं। एक होता है इनर लेयर, मिडल लेयर और आउटर लेयर। मिडल लेयर को मीजोडर्म कहते हैं, इसमें रेड ब्लड सेल की उत्पत्ति होती है। इनर लेयर को एंडोडर्म कहते हैं, जिसमें लंग सेल, थायरॉइड सेल, डाइजेस्टिव सेल का निर्माण होता है। मीजोडर्म में कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स, ट्यूबल सेल, रेड ब्लड सेल, स्मूथ मसल्स का निर्माण होता है। और तीसरा आउटर लेयर है, जिसको एक्टोडर्म कहते हैं, जिसमें स्किन सेल, नर्वस और पिगमेंट सेल्स का निर्माण होता है। रक्त को कोलाइडी विलियन के सोल वर्ग में रखा गया है। सोल वर्ग में ऐसे पदार्थ आते हैं जिसमें द्रव की मात्रा ज़्यादा, लगभग 70%, और ठोस की मात्रा कम, लगभग 30% होती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा 5 से 5.5 लीटर होती है, जो कुल भार का 7 से 8% होता है। रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है, जिसका पीएच मान 7.4% होता है। रक्त का क्षारीयपन बिलरुबिन के कारण होता है और किडनी के द्वारा अम्लीय पदार्थों को छानकर बाहर निकालने के कारण होता है। रक्त में 55% प्लाज्मा, 40 से 45% रेड सेल्स और लगभग 1% में प्लेटलेट्स और वाइट सेल्स होते हैं। प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, जबकि 8 से 10% अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इसमें बिलरुबिन भी होता है। बिलरुबिन हल्का पीला, क्षारीय और टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। बिलरुबिन हीमोग्लोबिन के फॉस्फोरिन के अपघटन से बनता है। इसका निर्माण यकृत में होता है, यह पित्ताशय में स्टोर होता है। अगर बिलरुबिन की अधिकता हो जाती है तो पीलिया नामक रोग होता है और कभी पाचन संबंधित विकार भी उत्पन्न हो जाता है। घोड़ा और चूहा दो ऐसे जंतु हैं जिनमें पित्ताशय नहीं पाया जाता, फिर भी इनमें बिलरुबिन लगातार बनता रहता है, लेकिन संग्रह नहीं होता। रक्त कणिकाओं की बात करते हैं तो इसमें आरबीसी, जिसे एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी केवल कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। मानव में आरबीसी का उत्पादन भ्रूण अवस्था में यकृत या प्लीहा के द्वारा होता है। बच्चे के जन्म के बाद और वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के द्वारा आरबीसी का उत्पादन होता है। देखिए, कशेरुकी जंतुओं को वर्टिब्रेट्स कहते हैं और अकशेरुकी जंतुओं को इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। वर्टिब्रेट्स में वे जंतु आते हैं जिनके पास बैकबोन होता है, जिसमें रेप्टाइल्स, फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, मैमल्स आते हैं। और इनवर्टिब्रेट्स यानी अकशेरुकी वे जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जैसे प्रोटोजोआ, फ्लैट वॉर्म, एनिलिड वॉर्म्स, एकिनोडर्म, इंसेक्ट्स इत्यादि पाए जाते हैं। इंसान में भ्रूणावस्था यानी इम्ब्रियोनिक स्टेज में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण लीवर या स्प्लीन, मतलब कि यकृत या प्लीहा में होता है। और जन्म के उपरांत से बच्चे या वयस्कों में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण बोन मैरो में होता है। आरबीसी के परिपक्वन के लिए विटामिन B12 या फोलिक एसिड की आवश्यकता होती है। परिपक्व आरबीसी का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। आरबीसी
यानी रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन नामक जटिल प्रोटीन से करता है। हीमोग्लोबिन का निर्माण हीम तथा ग्लोबिन प्रोटीन से होता है। हीम वाला भाग आयरन तथा पोरफायरिन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। इसमें आप देखिए, जो हीम वाला परमाणु होता है वो अपने साथ चार आयरन परमाणु को जोड़ता है और चारों आयरन परमाणु अपने साथ एक एक ऑक्सीजन परमाणु को जोड़ते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं। इसके बाद जुड़े हुए चारों ऑक्सीजन परमाणु अंगों को दान दे दिए जाते हैं, क्योंकि मनुष्य के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक न पाए जाने के कारण आरबीसी से न तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जा सकती है और न ही क्लोनिंग की जा सकती है। मनुष्य के आरबीसी का आकार उभयातल होता है, जिसके किनारे अवतल होते हैं, जिसकी माप 7 से 8 माइक्रोन होता है, जबकि मध्य का माप 2 से 3 माइक्रोन होता है। ऊंट और लामा दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी का आकार उभयोत्तल होता है, क्योंकि उनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। जीवन काल पूरा हो जाने के बाद आरबीसी यकृत या प्लीहा के जाल में फंस कर मृत हो जाती है। सबसे ज़्यादा आरबीसी प्लीहा में मरती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्रगाह भी कहा जाता है। मृत आरबीसी का भक्षण करने के लिए फैगोसाइट सेल यानी भक्षी कोशिका होती है। ऐसे आरबीसी जो यकृत में मृत होते हैं उन्हें कुफर फैगोसाइट सेल के द्वारा, और आरबीसी जो प्लीहा में मृत होते हैं उन्हें मैक्रोफैगी फैगोसाइट सेल के द्वारा भक्षण किया जाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में 50 से 54 लाख मिलीमीटर क्यूब आरबीसी ब्लड पाया जाता है। आरबीसी की संख्या मेल में फीमेल से ज़्यादा पाई जाती है। यही कारण है कि हीमोग्लोबिन भी मेल में फीमेल से ज़्यादा होता है। जब कभी हीमोग्लोबिन के आयरन परमाणु से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। ऐसे आयरन परमाणु फिर कभी भी O2 का परिवहन नहीं कर पाते। यही कारण है कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस या टॉक्सिक गैस कहा जाता है। इंसेक्ट्स में हीमोसाइनिन नामक पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण उनके रक्त का रंग सफ़ेद या हल्का नीला हो जाता है। मैमल्स को छोड़ दिया जाए तो फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और बर्ड्स के वर्ग के जंतुओं की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और मैमल्स में मैंने आपको बताया था कि ऊंट और लामा की आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। रक्त में रेड ब्लड सेल्स की गणना हेमोसाइटोमीटर के द्वारा की जाती है। अब बात करते हैं WBC की, जिसे ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। WBC यानी वाइट ब्लड सेल्स का उत्पादन अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रक्त में 6 से 7 हज़ार घन मिलीमीटर वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। आरबीसी, WBC और प्लेटलेट्स में WBC रक्त कणिकाओं में सबसे बड़ी रक्त कणिका होती है, क्योंकि इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC में केंद्रक पाए जाने के कारण ही इस पर रिसर्च किए जाते हैं। WBC की माप लगभग 8 से 22 माइक्रोन होती है, जिसका जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। WBC का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। WBC कई प्रकार के होते हैं। इसमें बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल, मोनोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट होते हैं, और मोनोसाइट में ही मैक्रोफैग फैगोसाइट सेल्स पाए जाते हैं। बेसोफिल हिपेरिन, हिस्टामिन और सेरोटाइनिन को रिलीज़ करता है। हिपेरिन नसों में रक्त को जमने से रोकता है, इसीलिए रक्त प्रतिजामन भी कहा जाता है। सीरोटाइनिन रसायन जो है क्षतिग्रस्त वाहिकाओं को संकुचित करने का कार्य करता है, ताकि कम से कम रक्त शरीर से बाहर निकले। हिस्टामिन रसायन एलर्जी कारक होता है। एलर्जी किसी भी कारण से किसी भी अवस्था में हो सकती है, जिसको समाप्त करने के लिए मस्तिष्क से
एंटी हिस्टामिन का श्रावण किया जाता है, जिसके फलस्वरूप तत्कालीन समय के लिए एलर्जी समाप्त हो जाती है। जो दवाइयाँ ली जाती हैं उसमें भी एंटी हिस्टामिन उपस्थित होता है। न्यूट्रोफिल शरीर के फेगोसाइट सेल्स होते हैं जो डेड सेल्स का भक्षण करते हैं। फिर है इओसिनोफिल्स, यह कोशिकाएं कुल कोशिकाओं का 2-3% के रूप में पाया जाता है। इनकी संख्या बढ़ने से इसिनोफिलिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें सामान्य सर्दी जुखाम जैसे लक्षण होते हैं, परंतु दोनों में अंतर यह होता है कि इसिनोफिलिया के रोगियों को विश्राम अवस्था में खांसी इत्यादि नहीं आती। मोनोसाइट, यह शरीर की सबसे बड़ी भक्षी कोशिका होती है जो रक्त के डेड सेल्स का भक्षण करती है। इसके बाद है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का मुख्य कार्य प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करना है। ये कोशिका 2 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट सेल और टी लिम्फोसाइट सेल। बी सेल्स में इसका उत्पादन और परिपक्वन अस्थि मज्जा में होता है और यह एंटीबॉडी का निर्माण करती है, और टी सेल्स का उत्पादन तो अस्थि मज्जा में होता है लेकिन इसका परिपक्वन थाइमस ग्लैंड में होता है जो थाइमोसिन हार्मोन के द्वारा होता है, और यह एंटीजन की पहचान करने का कार्य करता है। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। एक निश्चित एंटीजन के लिए एक निश्चित एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीजन और एंटीबॉडी मुख्यतः प्रोटीन प्रकृति के होते हैं। टीकाकरण में मृत या कमजोर वायरस को शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है जो एंटीजन होते हैं। अगला है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। इन कोशिकाओं का निर्माण भी बोन मैरो में होता है, जो आकार में सबसे छोटे होते हैं, जिनका माप 2-3 माइक्रोन होता है। ये किसी भी ज्यामिति आकार को धारण करने की क्षमता रखते हैं। इनका औसत जीवन काल 7-10 दिन होता है, जिनकी संख्या 2-5 लाख मिलीमीटर क्यूब रक्त पाई जाती है। इनका मुख्य कार्य रक्त का थक्का जमाना है। प्लेटलेट्स को छोटी प्रयोगशाला की संख्या दी गई है क्योंकि इसमें 80 छोटी छोटी क्रियाएं संपन्न होती है। डेंगू रोग में प्लेटलेट्स की संख्या में कमी हो जाती है, जिसके लिए येल्लो सीरम चढ़ाया जाता है जो केवल प्लेटलेट्स से युक्त होता है, जबकि सीरम में RBC, WPC और प्लेटलेट्स तीनों पाए जाते हैं। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है जो शरीर की बड़ी आंत में संश्लेषित होता है। रक्त का थक्का जमाने में कैल्शियम तत्व भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन सी घाव को भरने में सहायक होता है। विटामिन ए एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहलाता है, जो त्वचा के संक्रमण को नष्ट करने का काम करता है। मैं आपको ब्लड बैंक के बारे में भी बता देता हूँ। ब्लड बैंक में रक्त को क्यूबाइटल वेन्स के द्वारा दान दिया जाता है। इस रक्त में ग्लूकोज और सोडियम सिट्रेट मिलाया जाता है, जो रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हुए ऑक्सीजन की पूर्ति कर देता है। इसके अलावा EDTA एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड मिलाया जाता है, जो रक्त में उपस्थित कैल्शियम को निष्क्रिय कर देता है। ऐसे रक्त को 4 डिग्री सेल्सियस पर 42 दिनों तक इसी रूप में संरक्षित रखा जाता है। उसके बाद इसे पाउडर में बदल दिया जाता है। एक बार में अधिकतम 350 ml रक्त दान किया जा सकता है। तो ये थी पूरी जानकारी रक्त और रक्त कणिकाओं के बारे में। साइंस टेक्नोलॉजी में हम ऐसे वीडियो और लाते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट।